हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबकी दिवाली की जो है तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। आप सब भी मार्केट में ख़रीदारी शुरू कर दिया होगा दिवाली का। तो मैंने भी दिवाली की बहुत सारी प्रिपरेशन जो है शुरू कर दी है। तो कल मैं मार्केट में गई थी तो मुझे मार्केट में जो है पता चला कि दिवाली की जो है इस बार आइटम जो है बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, खासकर जो फैंसी लाइट वगैरह है। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ दो लटकन लिए विंड चैन। तो उसके भी बहुत, जो फेरी वाले होते हैं उनके भी रेट बहुत हाई थे। फिर मैं घर पर आई तो मैंने सोचा कि लाइट के लिए मैं क्या क्या करूं। तो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 फेरी लाइट हैं घर पे पिछली दिवाली के। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही फैंसी लाइट बनाऊंगी। तो ये एक बैलून है, बैलून को फैंसी लाइट बनाने के लिए इस तरीके से कॉटन का धागा, फेविकोल गोंद और थोड़ा सा पानी मिक्स करें एक बॉल में, और उसमें धागे को डिप करके पूरे आपको बैलून के ऊपर पूरा इस पे रैप करना है, इस तरीके से जैसा मैं इसमें बना रही हूँ। और ये फैंसी लाइट जब भी बनाएं तो आप नाइट में बनाएं, क्योंकि इसे ड्राई होने के लिए ओवरनाइट चाहिए। इस तरीके का कॉटन का धागा मार्केट में इजीली मिल जाता है 20 रुपीस का, और 1 रुपये का बैलून और फेविकोल आपका 30 से 40 रुपये के अंदर ही ये फैंसी लाइट जो है रेडी हो जाएगा। तो दिवाली पे क्यों पैसे वेस्ट करना, बहुत सारे आइटम इजली बना सकते हैं घर पे। तो ये फेरी लाइट जब सूख जाएगा, आपका ड्राई हो जाएगा, तो आप इस पे अपना मनचाहा कलर करके इसके अंदर फेरी लाइट डाल के कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हैं। दिवाली के लिए ये बहुत खूबसूरत लगेगा सच में फ्रेंड्स। मार्केट इस बार बहुत बहुत महंगी चीज़ें मिल रही है। आप इजली 10 से 20 रुपए में आप शुभ लाभ बना सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो भी शुभ लाभ का आप चेक कर सकते हैं, मैंने वो भी घर पे ही डेकोरेट बनाया है, DIY किया है। तो आपको मेरे DIY बहुत सारे वीडियो DIY के मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप मेरे DIY के ब्लॉग्स जो है चेक कर सकते हैं। थोड़े से टाइम लगा के आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिवाली के लिए घर पे रेडी कर सकते हैं। सस्ते दिए ला के आप उन्हें कलर कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में ही पैसे वेस्ट करिए, मार्केट में भी वही सारी चीज़ें होती है, वो भी हाथों से ही बनाया होता है, लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है। तो अब देखते जाइए कि मेरा ये फैंसी लाइट DIY कैसा रेडी होता है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, तो लाइक करें प्लीज़।